संसद के विशेष सत्र पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संविधान से इंडिया शब्द हटाने की तैयारी है। विशेष सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में संशोधन और भारत की परिभाषा में बदलाव करेगी सरकार। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना बना रही है। विशेष सत्र में सरकार विधेयक ला सकती है और इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारी भी की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी? 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चलने वाला, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इंडिया शब्द हटाने को लेकर सरकार विधेयक ला सकती है। देखिए, विशेष सत्र को सरकार ने बुलाया है, लेकिन उस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, विधायी कार्य क्या होंगे उसमें, इसका खुलासा अभी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि 2-4 दिनों में वो बता देंगे कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया शब्द को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने मांग की, कहा कि इंडिया नहीं होना चाहिए, ये भारत ही होना चाहिए, और लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है, और खासतौर पर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने तो इसे संसद में उठाया था, कहा था कि इंडिया शब्द हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक तो है ही है, साथ ही इसका जो अर्थ है वह बहुत खराब है। गंवार, पिछड़े और भिखमंगे के तौर पर अंग्रेजों ने इंडिया का नाम रखा था, इसलिए हटा दिया जाना चाहिए। तो अब इंडिया शब्द हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और आपको याद होगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था और इंडिया गठबंधन बढ़ा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अंग्रेजों ने बनाई थी, और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया, यानी भारत से जो प्यार नहीं करते, जो भारत से नफरत करते हैं, वो अपने साथ इंडिया जोड़ते हैं। तो तब से इस बात को लेकर कि एक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से संघ से लेकर बीजेपी से ठीक है विकास, यानी कि विपक्ष को तगड़ा झटका देने की तैयारी सरकार की तरफ से, तमाम सारी जानकारी